चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान स्टेट के मॉपअप राउंड का शेड्यूल जारी हो चुका है। मैं आपको यहां डेट वाइज शेड्यूल बताऊंगा और इलिजिबिलिटी भी बताऊंगा कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए इलिजिबल हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक बार डेट देख लेते हैं। तो मॉपअप राउंड के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होते हैं, यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है। जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मॉपअप राउंड में, लेकिन जिन कैंडिडेट ने राउंड वन और राउंड टू के समय अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी तक राजस्थान स्टेट के लिए, तो वो 25 से लेकर 27 मार्च 2022 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद में ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सेकंड राउंड में राजस्थान में जिनको सीट अलॉट होगी ज्वाइन नहीं किया है, वो कैंडिडेट दोबारा से ये अपना जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो डिपॉजिट करके फिर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने सेकंड राउंड में ज्वाइन कर लिया है, अलॉटेड कॉलेज में ज्वाइन कर लिया है, वो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये तो है इसमें कंडीशन। अब इसमें जो लास्ट डेट है फीस डिपॉजिटिंग वो 27 मार्च 2022 है। इसके बाद में जो सीट मैट्रिक्स आएगी वो 26 मार्च को आ जाएगी और इसमें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 28 मार्च को पब्लिश हो जाएगी। इसके बाद में जो सीट अलॉटमेंट होगा ऑफलाइन होगा, RUHS डेंटल में होगा, सुभाष नगर जहां पर सेकंड राउंड हुआ था। तो ये 30 से लेकर 31 यानी दो दिन के लिए होगा, 30 और 31 मार्च 2022 को ये ऑफलाइन काउंसलिंग होनी है RUHS डेंटल में। इसके बाद में जो फिजिकल रिपोर्ट होगी, पहले SMS में होती थी सेकंड राउंड तक, अभी जो अलॉटेड कॉलेज है वहां डायरेक्ट कॉलेज में रिपोर्टिंग होगी, वो 30 मार्च से लेके 2 अप्रैल 2022 तक ये रिपोर्टिंग होगी। तो ये मॉपअप राउंड का शेड्यूल आ चुका है। इसके बाद में जो स्ट्रे वैकेंसी होना है उसका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। तो इसमें कंडीशन यही है कि जिस कैंडिडेट ने राजस्थान में सेकंड राउंड में ज्वाइन कर लिया है, अदर स्टेट में ज्वाइन कर लिया है और फिर ऑल इंडिया में अगर ज्वाइन कर लिया है तो वो कैंडिडेट इस काउंसलिंग के लिए इलिजिबल नहीं है। इसके बाद दूसरी कंडीशन यह है कि जो कैंडिडेट यहां अटेंड करेंगे इस काउंसलिंग को, तो उनके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। तो ये कंडीशनें हैं राजस्थान के मॉपअप राउंड की। और ये जो मॉपअप राउंड है वो 30 और 31 मार्च 2022 को कंडक्ट होगा RUHS डेंटल में। बाकी कंडीशनें जो सेकंड राउंड में हुई थी वही कंडीशनें होंगी। जो इंट्री पास होगा वो सारी की सारी जो कंडीशनें सेकंड राउंड में हुई थी वो की वही होगी। इसमें एक डिटेल्ड शेड्यूल आ जाएगा, कौन से रैंक को कितनी तारीख को वहां पर पहुंचना है ये शेड्यूल आ जाएगा। उसके बाद में इंट्री टिकट आपने जैसे सेकंड राउंड में प्रिंट करके लेके गए थे वही सेम प्रोसीजर रहेगा काउंसलिंग का। तो इसके बाद में जो अभी रिपोर्टिंग है 25 तक एक्सटेंड की गई है, कॉलेज में 25 तक कैंडिडेट रिपोर्ट कर सकते हैं सेकंड राउंड की रिपोर्टिंग की। तो ये जानकारी थी। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।